हेलो एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट अवंती नावे। आज हम नाटा और जेडब्ल्यू पेपर टू में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी पे काफी वेटेज होता है और उससे हमारा स्कोरिंग, अगर ये टॉपिक हमको समझ गया तो हम स्कोरिंग भी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। मैं आपको अभी वही टॉपिक समझाने जा रही हूँ, आप देखो, आपको बहुत ईजी लगेगा। और ये टॉपिक्स के हम कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज भी करेंगे, आई विल टेल यू, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। कलर थ्योरी, कलर थ्योरी क्या होती है ये समझते हैं हम सबसे पहले। कलर थ्योरी, कलर इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। कलर थ्योरी मतलब क्या, जब दो कलर एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं तो वो हो गई कलर थ्योरी। जब दो कलर मिलके एक नया टेक्सचर या पैटर्न या कलर देते हैं तो वो हो गई कलर थ्योरी, ठीक है? ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए। इसमें कलर थ्योरी में कलर व्हील होता है, कलर व्हील में होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर। ये हम आगे में समझते हैं, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं और टर्शरी कलर क्या होते हैं। कलर व्हील, कलर व्हील क्या करती है, कलर्स के बीच का रिलेशनशिप शो करती है, ठीक है? कलर व्हील में होते हैं प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, न्यूट्रल्स, मोनोक्रोमैटिक, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, मिक्सिंग कलर्स एंड कलर मीनिंग। ये सारे जो है हम कलर व्हील को देख के हम ये समझ सकते हैं, ठीक है? कलर व्हील को देख के हमको बहुत इजीली समझ में आएगा कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, टर्शरी कलर्स कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स क्या है, सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं, टर्शरी कलर्स कैसे बनते हैं, वार्म कलर्स कौन से कहलाते हैं, कूल कलर्स कौन से कहलाते हैं, न्यूट्रल्स किसे बोला जाता है, ये हम सब डिटेल में समझेंगे, ठीक है? बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा। मैं भी समझा रही हूँ, मैं इसके आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो देख के आपको ये टॉपिक और भी इजी लगेगा। कलर व्हील, हियर यू कैन सी देयर आर थ्री कलर्स, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर्स। प्राइमरी कलर, ये जो आपको पहला ट्रायंगल दिख रहा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, डार्क ग्रे कलर का, इसमें जो तीन कलर कनेक्ट हुए हैं, देखो, फर्स्ट वन इज रेड, येलो एंड ब्लू, ये है प्राइमरी कलर्स। ये क्या है, प्राइमरी कलर्स। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर का भी आपको उससे थोड़ा लाइटर शेड का ग्रे शेड दिख रहा होगा, ठीक है? वो तीन कलर है सेकेंडरी कलर्स, सी ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। टर्शरी कलर्स क्या है, टर्शरी कलर्स देखो, इसी में आपको एक हेक्सागोन दिख रहा है, दिस वन, कैन यू सी दिस हेक्सागोन? ये हेक्सागोन कनेक्ट कर रहा है कलर्स को, जो हेक्सागोन जिन कलर्स को कनेक्ट कर रहा है वो है टर्शरी कलर्स, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वॉयलेट, रेड वॉयलेट एंड रेड ऑरेंज। अभी हमने ये कलर व्हील में देखे हैं, अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है? प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो। प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो, ये होते हैं प्राइमरी कलर्स। ये नेचुरल यूज होते हैं, प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल यूज। ये किसी भी कलर से नहीं बनते हैं, ये नेचुरल कलर होते हैं। प्राइमरी कलर्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम अदर कलर्स, ये हमेशा याद रखना। प्राइमरी कलर्स नेचुरल यूज होते हैं, ये किसी भी दो कलर को मिला के, किसी भी दूसरे शेड को मिला के नहीं बनते हैं, ये नेचुरल होते हैं। दीज आर नेचुरल यूज। कलर व्हील में ये कहाँ पे प्लेस करते, देखो मैंने बता दिया था आपको, सबसे जो डार्कर ट्रायंगल है ग्रे, डार्कर ग्रे, रेड, येलो एंड ब्लू, ओके। नेक्स्ट सेकेंडरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स आर ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं,
देखो मैं फिर से बता रही हूँ, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, येलो, ब्लू, आर वाई बी। आप ये बहुत इजी इसमें याद रख सकते हो, आर वाई बी। आर वाई बी याद रख लो, आर वाई बी स्टैंड फॉर रेड येलो एंड ब्लू। आर वाई बी स्टैंड फॉर रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है। वैसे ही सेकेंडरी कलर्स। अब सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, लेकिन सेकेंडरी कलर कौन से है? देखो, ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। कौन से है सेकेंडरी कलर्स? ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। देखो कलर व्हील में आपको दिखेगा, दिस इज ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट और पर्पल। ओके, दिस ट्रायंगल शो सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स अब बनते कैसे हैं? सेकेंडरी कलर्स बनते हैं दो प्राइमरी कलर को मिला के। वी गेट सेकेंडरी कलर्स बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स। हाउ डू वी गेट सेकेंडरी कलर्स? बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स। ओके, सी, बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो। बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो, फर्स्ट प्राइमरी कलर रेड एंड सेकेंड प्राइमरी कलर येलो। बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो वी गेट ऑरेंज। विच कलर वी गेट? ऑरेंज। बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो वी गेट ऑरेंज। सिमिलरली बाय मिक्सिंग येलो एंड ब्लू। बाय मिक्सिंग येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू दीज आर प्राइमरी कलर्स। बाय मिक्सिंग दीज टू प्राइमरी कलर्स येलो एंड ब्लू वी गेट ग्रीन। विच कलर वी गेट? ग्रीन। अंडरस्टूड? इसी तरीके से और दो प्राइमरी कलर्स, जैसे कि हमने रेड और ब्लू ये दो कलर्स को मिला है तो हमको मिलता है वॉयलेट। कौन सा कलर मिलेगा? वॉयलेट। बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू वी गेट वॉयलेट। अंडरस्टूड? सेकेंडरी कलर्स हमको कैसे मिलते हैं? दो प्राइमरी कलर को मिला के हमको सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं। रेड और येलो मिला के हमको मिला ऑरेंज, येलो और ब्लू मिला के हमको मिला ग्रीन, और रेड और ब्लू मिला के हमको मिला वॉयलेट। अंडरस्टूड? क्लियर? सेकेंडरी कलर समझ में आया सबको? मैंने बोला था ये बहुत ही इजी टॉपिक है। चलो अब हम देखते हैं टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स, सी, टर्शरी कलर्स हमको कैसे मिलते हैं? टर्शरी कलर हमको मिलते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिला के। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिला के हमको मिलता है टर्शरी कलर, ठीक है, ये याद रखना। सेकेंडरी कलर कैसे मिलेगा? दो प्राइमरी कलर्स को मिला के। और टर्शरी कलर्स कैसे मिलेगा? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिला के हमको मिलेगा टर्शरी कलर। अंडरस्टूड? वी गेट टर्शरी कलर बाय मिक्सिंग वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी कलर। अंडरस्टूड? सी, हियर यू कैन सी द कलर व्हील। ओके, अभी लुक, हमको रेड और वॉयलेट ये दो कलर मिला के मिलता है रेड वॉयलेट। कौन सा कलर मिलेगा? रेड वॉयलेट। सी, कौन सा कलर मिलेगा? रेड वॉयलेट। अब रेड क्या है? रेड है प्राइमरी कलर। रेड क्या है? रेड इज द प्राइमरी कलर। रेड है प्राइमरी कलर। एंड वॉयलेट, वॉयलेट क्या है? वॉयलेट है सेकेंडरी कलर। वॉयलेट है सेकेंडरी कलर। तो हमको एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, मतलब ही रेड प्राइमरी कलर और वॉयलेट सेकेंडरी कलर, ये दो कलर मिलाने के बाद हमको मिला है रेड वॉयलेट। कौन सा कलर मिला है? रेड वॉयलेट। रेड वॉयलेट ये है टर्शरी कलर। अंडरस्टूड? हाउ डू वी गेट टर्शरी कलर्स? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सी, फर्स्ट वन, येलो प्लस ऑरेंज। येलो क्या है? येलो है प्राइमरी कलर। येलो है प्राइमरी कलर। ऑरेंज है सेकेंडरी कलर। ऑरेंज है सेकेंडरी कलर। एंड वी गेट येलो ऑरेंज। विच कलर वी गेट? येलो ऑरेंज। बाय मिक्सिंग वन प्राइमरी कलर येलो एंड वन सेकेंडरी कलर ऑरेंज वी गेट येलो ऑरेंज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेड प्लस ऑरेंज।
red plus orange, we get red orange. Here red is the primary color and orange is the secondary color. By mixing these two colors, we get tertiary color red orange. Okay. ऐसे ही ब्लू और वॉयलेट मिला के हमको मिलेगा ब्लू वॉयलेट. ब्लू और वॉयलेट मिला के मिलेगा ब्लू वॉयलेट. इसमें ब्लू प्राइमरी कलर है और वॉयलेट सेकेंडरी कलर है. ब्लू और ग्रीन मिला के हमको मिलेगा ब्लू ग्रीन. ब्लू प्राइमरी कलर, ग्रीन सेकेंडरी कलर. वी गेट टर्शियरी कलर ब्लू ग्रीन. बाय मिक्सिंग येलो एंड ग्रीन वी गेट येलो ग्रीन. Here, yellow is the primary color, green is the secondary color, and by mixing primary yellow and secondary green, we get yellow-green, yellow-green tertiary color. Understood? I hope आप सबको ये concept समझ में आ गया होगा कि हमको primary color क्या है? Natural color है. Secondary color कैसे मिलते हैं? दो primary color को मिला के मिलते हैं. और tertiary color कैसे मिलते हैं? एक primary और एक secondary color मिला के हमको मिलेगा टर्शियरी कलर. ओके, लेट्स प्रोसीड. यहां तक आपको इजी लगा? समझा? था ना बहुत इजी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? जो कलर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं कलर व्हील में, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. कलर व्हील में जो कलर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर. देखो इधर, ये है कलर व्हील. कलर व्हील में दो कलर, अब देखो कोई भी दो कलर हो सकते हैं, कोई भी दो कलर जो बस एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए उसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. ठीक है, वो दो कलर मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बनाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर दैट आर डायरेक्टली अक्रॉस फ्रॉम ईच अदर ऑन द कलर व्हील. हियर यू कैन सी red and green, red and green. ये दोनों कलर कलर व्हील में एक दूसरे के आमने सामने है. ये दोनों कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है. कौन से कलर्स है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. बहुत इजी वे है याद रखने का. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो कलर व्हील में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो दो कलर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. Red and green is the example of complementary color. Next example, blue and orange. Blue and orange. Blue and orange. ये भी है complementary colors. क्योंकि ये color wheel में एक दूसरे के आमने सामने है. बहुत easy way है याद करने का. जो color wheel में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पर्पल एंड येल्लो. पर्पल एंड येल्लो, ये भी कलर व्हील में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये दो कलर हुए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. समझा आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स? फिर से बता रही हूं, जो कलर्स कलर व्हील में आमने सामने होते हैं, the colors that are directly across from each other on the color wheel are complementary colors. Understood? Okay, let's proceed. See, this is the example. इस painting में complementary colors का use किया गया है. Red and green are an example of complementary colors. Look at the painting carnation, Lily, Lily, Rose by John Singer Sargent. The reddish pink color of the flower really stands out against the green background. Green background पे देखो आपको flowers दिख रहे हैं इस painting में, reddish pink. अब red और green ये complementary color है. इस painting में अगर ग्रीन बैकग्राउंड में येलो फ्लावर होते तो उतने पॉप आउट करते क्या? नहीं करते. लेकिन रेडिश पिंक कलर के फ्लावर से वो पॉप आउट कर रहे हैं ग्रीन बैकग्राउंड में, राइट?
अंडरस्टूड। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज करके कैसे पेंटिंग हमको अच्छी लग रही है, देख रहे हो आप। अगर येलो होता, फ्लावर अगर येलो होते तो क्या होता, वो ग्रीन में ब्लेंड हो जाते, तो उतने प्रॉपरली वो विजुलाइज नहीं होते। बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज किया गया है तो वो ग्रीन बैकग्राउंड में रेड फ्लावर इजीली विजुलाइज हो रहे हैं। सी दीज आर सम एग्जांपल्स कंपोजिशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में कौन सा वॉलेट और येलो कलर यूज किया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ऐसी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का आपको यूज करके, अभी मैं आपको एक फन एक्टिविटी बता रही हूँ, ठीक है, फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। फन एक्टिविटी ये है कि आप लोगों को क्या करना है, आपके पास एक्रेलिक कलर्स तो हो गई, एक्रेलिक कलर्स के बस तीन ही कलर अपने पास रखना है, कौन से, प्राइमरी कलर्स, रेड येलो एंड, याद है किसी को कौन से है प्राइमरी कलर्स, रेड येलो एंड ब्लू, गुड, रेड येलो एंड ब्लू। तो आपको, आपके पास ये तीन ही कलर्स रखने हैं और आपको बना के देखना है दो प्राइमरी कलर मिला के सेकेंडरी कलर बनता है या नहीं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप करके देखो, बहुत मजा आएगा ये एक्टिविटी करने में। सेकेंड एक्टिविटी वैसे ही आपको क्या करना है, जैसे आपकी सेकेंडरी कलर्स बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, प्राइमरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिला के देखना है, ठीक है। तो उससे आपको टर्शरी कलर मिलता है क्या, वो देखिए, ये एक्टिविटी करके देखिए, बहुत मजा आएगा और आपको इजीली याद भी हो जाएगा प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, टर्शरी कलर्स कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स नेचुरल कलर्स है, सेकेंडरी हमको दो प्राइमरी कलर्स मिला के मिलता है और टर्शरी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिला के मिलता है, ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स प्रोसीड, अब हम आगे बढ़ते हैं। वार्म कलर्स, वार्म कलर्स क्या होते हैं, चलो समझते हैं वार्म कलर्स क्या होते हैं। वार्म कलर्स आर रेड, ऑरेंज, येलो एंड एनीथिंग इन बिटवीन। वार्म कलर्स क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो एंड एनीथिंग इन बिटवीन, इनको क्या बोलते हैं, वार्म कलर। वार्म कलर आपको क्या रिमाइंड करेंगे पता है, जो दिन का शेड होता है आसमान में, जब सूरज उगता है तो दिन में आपको जो दिखेंगे आसमान में, स्काई में जो कलर्स दिखेंगे वो होते हैं वार्म कलर्स, ठीक है। वार्म कलर्स विल रिमाइंड यू ऑफ सन और फायर, आग में भी आपको वार्म कलर्स दिखते हैं, ऑरेंज, येलो, रेड और उसके शेड्स दिखते हैं, राइट। जब भी आपने सन देखा होगा या फिर फायर देखी होगी तो देखना आपको यही शेड्स मिलेंगे, तो ये जो शेड्स है ये शेड्स को क्या बोलते हैं, वार्म कलर्स। ये कौन से कलर्स कहलाते हैं, वार्म कलर्स, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे ये है वार्म कलर, कलर व्हील का हाफ पार्ट, कलर व्हील का हाफ पार्ट वार्म कलर से। नेक्स्ट देखो, इस पेंटिंग में वार्म कलर का यूज किया गया है। इन द फाइटिंग टेमरेरी बाय विलियम टर्नर, द वार्म कलर्स ऑफ सनसेट गिव अ फीलिंग ऑफ ब्राइटनेस एंड हीट। लुक एट द रेड स्प्रेडिंग फ्रॉम द सेटिंग सन एंड द डीप गोल्डन ग्लो ऑन द वॉटर। इफ यू आर फीलिंग कोल्ड, लुकिंग एट द कलर्स लाइक दिस कैन एक्चुअली मेक यू फील वार्मर। देखो इस पेंटिंग में जो सेटिंग सन है वो हमको पूरे वार्म कलर्स शो कर रहा है, पूरे वार्म कलर्स स्प्रेड हो रहे हैं और उसी का रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, दिख रहा है पूरा गोल्डन ग्लो दिख रहा है। दीज आर द वार्म कलर्स विच रिमाइंड्स यू ऑफ सन और फायर। नाउ कूल कलर्स, कूल कलर्स क्या है, कूल कलर्स आर ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड एनीथिंग इन बिटवीन। ब्लू, ग्रीन और पर्पल, इनके बीच आने वाले कलर, और ब्लू, ग्रीन और पर्पल, ये कलर्स है कूल कलर्स, ठीक है। दिस साइड यू कैन सी वार्म कलर एंड दिस साइड यू कैन सी कूल कलर,
ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल और उनके बीच आने वाले कलर्स वो होते हैं कूल कलर्स। कूल कलर्स आपको क्या याद दिलाते हैं? जो शाम का आसमान होता है, इवनिंग स्काई। इवनिंग स्काई रिमाइंड्स यू ऑफ कूल कलर। कूल कलर रिमाइंड्स यू अबाउट अर्थ। अर्थ के कलर्स देखना आप, ठीक है, कूल क्रिक के कलर्स देखना, वो सब आपको कूल कलर्स ही दिखेंगे, ठीक है। कूल कलर्स रिमाइंड यू ऑफ द अर्थ, कूल क्रिक, इवनिंग स्काई। कभी नोटिस किया है, शाम के आसमान को देख के बहुत शांत फील होता है ना, कूल फील होता है, क्योंकि आसमान में पूरे कूल कलर्स दिखते हैं। कूल कलर सीम्स टू रिसीव फ्रॉम यू इन स्पेस। नेक्स्ट, इन दिस पेंटिंग बाय क्लॉड मोनेट द वॉक Lady with parasol, the cool colors of the ground and sky contributes to the peaceful feeling of the painting. Imagine how different the painting would look with bright red sky. It might seem more exciting or energetic than restful. Cool colors काफी restful लगते हैं, लेकिन जो warm colors होते हैं वो बहुत energetic लगते हैं। तो अगर हम इस जगह पे warm color का use करते तो painting पूरी फीलिंग ही चेंज कर देती। अभी हमको रेस्टफुल फीलिंग आ रही है, अगर हम वार्म कलर्स का यूज करते तो हमको रेस्टफुल नहीं, हमको एनर्जेटिक या एक्साइटिंग फीलिंग आती थी। नेक्स्ट, एनालॉगस कलर्स। चलो अब हम समझते हैं एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं। एनालॉगस कलर्स which are located next to each other on the color wheel. Analogous color क्या होते हैं? जो एक दूसरे के आजू बाजू में होते हैं color wheel में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो तीन color है ये एक दूसरे के आजू बाजू में है, दिख रहा है, ये है analogous color, समझे? Blue, blue green, green, blue, blue green, green. This is the example of analogous color, analogous colors. Okay, red, red orange and orange, red, red orange and orange. These are analogous colors. समझे analogous colors क्या है? Example से तो और easily समझ गया होगा। Analogous colors मतलब जो color wheel में एक दूसरे के आजू बाजू होते हैं, the colors which are located next to each other on the color wheel are analogous colors. Analogous colors को harmonious colors भी बोला जाता है. Understood? Okay. आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे कुछ examples है, यहाँ पे analogous colors का ही use किया गया है. Here you can see red, red orange and orange. Here you can see ब्लू, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज, येलो ऑरेंज एंड येलो आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस कलर्स। दे आर ब्लेंडेड नाइसली इन सनफ्लावर्स। अ पेंटिंग बाय विंसेंट वैन गॉग। हाउ डू यू नो दैट दिस कलर्स आर क्लोजली रिलेटेड? दे शेयर अ कलर, each of them contains some yellow. Orange, yellow orange and yellow, ये colors क्या है? ये एक color share करते हैं, contain करते हैं yellow color, ठीक है? They share a color yellow. इस painting में orange और yellow यही analogous color का use किया गया है, which are blended nicely in sunflowers. Now, अब हम समझते हैं neutrals. Neutrals क्या होता है? Neutrals mostly आपको color wheel में नहीं दिखेंगे, ठीक है? Neutrals में कौन से color आते हैं? Neutrals में आते हैं black, white, grey और कभी कभी brown and beige भी, ठीक है? These are the neutral colors.
ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्राउन, बेज। इनको अर्थ टोन्स बोला जाता है। अर्थ टोन्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल्स। अब देखो न्यूट्रल कलर्स कैसे बनते हैं ये हम समझते हैं। बहुत अलग अलग दो तरीके हैं मोस्टली न्यूट्रल कलर बनाने के। एक तरीका ये है कि आप तीनों प्राइमरी कलर को मिला के देखो। जब आप तीनों प्राइमरी कलर को मिला के देखोगे आर वाई बी तो आपको मिलेगा न्यूट्रल कलर। यू विल गेट अ न्यूट्रल कलर। अब सेकेंड वे क्या है न्यूट्रल कलर बनाने का? सेकेंड वे है आप दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को बना के देखो। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करके देखो। बाय मिक्सिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यू विल गेट न्यूट्रल्स। एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है, बहुत मजा आएगा। ऐसे ब्रश कलर्स इन सबके साथ खेलने में हर किसी को मजा आता है, आता है ना? मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे कोई बोल दे पेंटिंग करो या फिर कलर्स का आप शेड बनाओ तो मुझे इतना ज्यादा मजा आता है। आप ट्राई करो, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो आप बस ये करके देखना, सेकेंडरी कलर्स बना के देखो, टर्शरी कलर्स बना के देखो, न्यूट्रल्स बना के देखो, आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते देखना। बाय मिक्सिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यू विल गेट न्यूट्रल, ट्राई दिस। एंड बाय मिक्सिंग थ्री प्राइमरी कलर्स यू विल गेट न्यूट्रल। नाउ मोनोक्रोमैटिक कलर्स। मोनोक्रोमैटिक कलर्स क्या होते हैं ये समझते हैं हम अभी। मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, टिंट्स एंड शेड्स ऑफ अ सिंगल कलर। मोनोक्रोमैटिक कलर्स क्या कंसिस्ट करता है? एक ही कलर के टिंट और शेड्स। ठीक है, टिंट और शेड्स जो होते हैं ये स्केल होती है, उसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, लाइटर किसी भी कलर का लाइटर टोन से डार्कर टोन तक के जो टिंट और शेड्स जाते हैं कहलाते हैं वैल्यूज। तो मोनोक्रोमैटिक स्कीम क्या होती है? मोनोक्रोमैटिक स्कीम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिंगल कलर फ्रॉम लाइटर टू डार्कर। एन एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोम कलर स्कीम कुड इंक्लूड एनी कलर मिक्स्ड विद व्हाइट और ब्लैक। अब देखो वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज है कलर की, एक ही कलर की डिफरेंट वैल्यूज है, तो वो कैसे मिलेगी आपको? अगर लाइटर टोन से बढ़ना है, अगर आप किसी कलर में व्हाइट मिक्स करते हैं तो उसका लाइटर शेड बनेगा, उससे भी ज्यादा व्हाइट मिक्स करोगे तो उससे भी लाइटर शेड बनेगा। सिमिलरली उसी कलर में अगर आप ब्लैक मिक्स करते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक, तो आपको उसे थोड़ा डार्कर वैल्यू मिलेगा उसी कलर का। ठीक है, उसमें और थोड़ा ब्लैक मिक्स करोगे तो उससे डार्कर वैल्यू मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो ये है ग्रीन का, ग्रीन के डिफरेंट वैल्यूज। हियर यू कैन सी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रीन। दिस इज मोनोक्रोमैटिक स्कीम। क्या है ये? मोनोक्रोमैटिक स्कीम, एक ही कलर के डिफरेंट वैल्यूज दिख रहे हैं हमको। अब ये जो हमको ये लाइटर जो मिला है वैल्यू, ये कैसे मिला? व्हाइट मिक्स करके, और डार्कर मिला है ब्लैक मिक्स करके। समझा? अ शेड ऑफ ग्रीन इज मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक। दिस इज द शेड ऑफ green. A tint of green is made by mixing green and white. Tint of green कैसे मिले? White mix करके। और shade of green कैसे मिले? Black mix करके। समझे? Okay. Very good. देखो यहाँ पे कुछ examples है। यहाँ पे monochromatic color scheme दिखेगी आपको। यहाँ पे कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू के टिंट और शेड दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? कलर प्लस व्हाइट मतलब टिंट, और कलर प्लस ब्लैक मतलब शेड्स। ये याद रखना, कलर प्लस व्हाइट मतलब टिंट्स एंड कलर प्लस ब्लैक मतलब शेड्स। वो होते हैं वैल्यूज, एक ही कलर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, लाइटर टू डार्कर। इस इमेज में ग्रीन के टिंट्स और शेड्स दिख रहे हैं। ग्रीन मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम यूज हुआ है, ठीक है। हियर पिंक, समझे? इमेज देख के कुछ समझ में आया? मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम का यूज करते हुए आपको अगर कोई
भी चीज पेंट करनी है या फिर कोई भी कंपोजिशन बनाना है तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कैसे बनेगी? कोई भी एक कलर पिक कर लो, उसके लाइटर शेड्स सॉरी उसके लाइटर वैल्यूज और डार्कर वैल्यूज बनाना है। अब लाइटर वैल्यूज कैसे बनेंगे? व्हाइट मिक्स करके, और डार्कर वैल्यूज कैसे मिलेंगे? ब्लैक मिक्स करके। ओके, तो वो मोनोक्रोमेटिक स्कीम बना देगा। अंडरस्टूड? प्रोसीड करें। चलो, कलर मिक्सिंग। इट्स इजी टू मिक्स कलर पेंसिल्स टू मेक न्यू कलर्स। यू कैन यूज द प्राइमरी कलर्स रेड ब्लू एंड येलो प्लस ब्लैक एंड व्हाइट टू गेट ऑल ऑफ द कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के कलर्स कैसे मिलेंगे? देखो, हमको क्या करना है? बस कलर मिक्सिंग करना है। हमको चाहिए प्राइमरी कलर्स और ब्लैक और व्हाइट। अब जब हम ये कलर्स एक दूसरे से मिक्स करेंगे तो हमको मिलेंगे रेनबो के सारे कलर्स। विबग्योर, विबग्योर पता है ना? विबग्योर ये रेनबो के सारे कलर्स है। तो हमको ये रेनबो के सारे कलर्स कैसे मिलेंगे? प्राइमरी कलर्स होने चाहिए हमारे पास, और ब्लैक और व्हाइट। इन सबको जब हम ब्लेंड करेंगे तो हमको मिलेंगे रेनबो के सारे कलर्स। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। When you mix the primary colors together, you get secondary colors. Red plus yellow, orange. Red plus blue, blue, purple. Blue plus yellow, green. ये एक्टिविटी मैंने आपको करके देखने बोला है, तो आप ये जरूर कीजिएगा, ठीक है? अभी हम समझते हैं values, tints और shades क्या होते हैं। वैसे तो मैं समझा चुकी इससे पहले कि टिंट मतलब क्या है। किसी भी कलर में हमको व्हाइट मिक्स करना है तो वो होते हैं टिंट। शेड मतलब क्या है? किसी भी कलर में हमको ब्लैक मिक्स करना है तो वो होता है शेड्स। एंड वैल्यू, वैल्यू क्या है? ये लाइटर टू डार्कर, ये अलग अलग एक ही कलर का अलग अलग वैल्यू, ठीक है? इज द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। वैल्यू इज द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। टिंट्स, टिंट्स आर द लाइट वैल्यूज, टिंट्स आर द लाइट वैल्यूज दैट आर मेड बाय मिक्सिंग अ कलर विद व्हाइट, मेड बाय मिक्सिंग अ कलर विद व्हाइट। फॉर एग्जाम्पल, पिंक इज द टिंट ऑफ रेड। पिंक ये रेड का टिंट है। जब हम रेड में व्हाइट मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? पिंक मिलता है। वैसे ही जब हम ब्लैक में व्हाइट मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्रे मिलता है। तो ग्रे क्या हुआ? ब्लैक का टिंट हुआ। ग्रे इज अ टिंट ऑफ ब्लैक। नाउ शेड्स, शेड्स क्या है? शेड्स आर डार्क वैल्यूज। शेड्स क्या है? डार्क वैल्यूज। वो कैसे मिलते हैं? बाय मिक्सिंग अ कलर विथ ब्लैक, बाय मिक्सिंग अ कलर विथ ब्लैक। एग्जाम्पल, मरून। मरून इज अ शेड ऑफ रेड। मरून क्या है? रेड का शेड है। रेड में जब हमने थोड़ा अमाउंट में ब्लैक मिक्स किया तो हमको मिला मरून। वैसे ही नेवी, नेवी ये क्या है? नेवी ब्लू, ये शेड ऑफ ब्लू। ब्लू में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया तो हमको मिला नेवी ब्लू। अंडरस्टूड? समझा कलर मिक्सिंग? तो आपको ये करके देखना है, मजा आएगा बहुत। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। करके देखो मिलते हैं क्या कलर्स, और जब हम वो कलर्स, जब हमको वो कलर्स मिलते हैं हमको बहुत मजा आता है। तो किसी भी, अगर हमको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हमको ज्यादा से ज्यादा कितने कलर्स की जरूरत है? प्राइमरी कलर्स और व्हाइट और ब्लैक। तो हम उससे कितने सारे कलर्स बना सकते हैं? देखो, लुक एट दिस पेंटिंग। इसमें टिंट और शेड्स है, ब्लू के और ग्रीन के, दिख रहे? ब्लू इन द स्काई एंड ग्रीन इन द फील्ड। तो देखो, आज हमने कलर व्हील का क्या क्या टॉपिक कवर किया है, क्या क्या?
कवर किया है प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, ठीक है, एनालॉगस कलर, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, ठीक है, इतने सारे टॉपिक कवर किए। आपको इसमें से कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगा, कोई भी एक भी टॉपिक डिफिकल्ट लगा? नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कलर थ्योरी, ठीक है। अब कलर थ्योरी सिर्फ इतनी ही नहीं होती, कलर थ्योरी में और भी कुछ टॉपिक्स है जो कवर करने के बाकी रह गए हैं, हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बट आज जितने टॉपिक हुए उसमें आपको कोई डिफिकल्टी फील हुई? नहीं। चलो, जैसे मैंने आपको और एक चीज बोली थी कि आप लोग एक्टिविटी जरूर करके देखो, आप लोग प्राइमरी कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके देखो आपको सेकेंडरी कलर मिलता है कि नहीं मिलता है, सेकेंडरी और प्राइमरी कलर मिक्स करके देखो। ये जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, जो आपको मैंने समझाया है अभी कलर थ्योरी, उसके वक्त में जब समझा रही थी उस वक्त मैंने आपको जो एक्टिविटी करने बोली है वो करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और आपको और इजी हो जाएगा कलर थ्योरी समझने के लिए। और जितना आप कलर थ्योरी इजीली समझ जाओगे, बहुत इजी टॉपिक है ऐसे भी समझ जाएगा, बट एक्टिविटी करोगे तो मजा भी आएगा एट द सेम टाइम, है ना। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। बाकी इसमें जो और कुछ कंटेंट्स है जो कवर करने के रह गए हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलो, बाय बाय।